लव अंग्रेज़ी का शब्द है और जिहाद उर्दू का शब्द है तो लव प्रेम जब तक लड़की तैयार ना हो जब तक वो आपके जाल में न फंस जाए जब तक वो उस कॉकस में न फंस जाए जब तक वो जिहादियों का पूर्णतः शिकार ना हो जाए जब तक वो अपनी सनातन परंपराओं अपने परिवार के विरुद्ध ना खड़ी हो जाए तब तक प्रेम और जिस दिन वो आपके जाल में फंस जाए जिस दिन आप उसका एक्सप्लोइटेशन करना शुरू कर दें उस दिन से इस्लामिक जिहाद शुरू हो जाता है और उसके बाद जो दुर्दशा होती है ऐसी लड़कियों की वो असहनीय पीड़ा देने वाली होती है और हम आठ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है निकिता तोमर हरियाणा में आपको याद होगी निकिता तोमर की हत्या सड़क पर गोली मारकर कर दी गई थी उसके बाद श्रद्धा का मामला आया पैंतीस टुकड़ों में काट दी गई और अभी साक्षी आपके सामने है छत्तीस बार चाकुओं से एक दो बार कत्ल करने पर एक दो बार वार करने पर कोई भी व्यक्ति कोई भी लड़की मारी जा सकती है लेकिन छत्तीस चाकू गोद कर और उसके बाद छः बार उसके चेहरे को पत्थर से कुचल कर ओपनली मारना ये भय बैठाने वाला है कि जो लड़की हमारे कब्जे में आएगी इस्लामिक जिहादियों का ये ओपन चैलेंज है टुवर्ड्स सनातन टूवर्ड्स आवर संस्कृति अभी तक ओपन चैलेंज नहीं था हिडन था रेस्क्यू कर लेते थे लेकिन अब तो वो मार देते हैं उनका ओपन चैलेंज है कि जो लड़की हमारे कब्जे में आ गई उसको हम फंसाएंगे अगर वो धर्मांतरण करने के लिए तैयार नहीं होगी या वो हमारे चंगुल से भागने का प्रयास करेगी तो हम उसकी नशल हत्या कर देंगे ताकि उनके चंगुल में फंसी हुई बाकी सारी लड़कियां डर जाएं और वो डर से इस्लाम को कबूल कर लें